सही नहीं बनी थोड़ी। फिर इन लोगों ने पी ली, फिर पीने के बाद काम ही नहीं किया इन लोगों ने कुछ भी बहन जो। उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि रिकॉर्ड करे फिर से, लेकिन किया ही नहीं इन लोगों ने। बोलने लगे वो रैंडी जो म्यूजिक बनाता है, वो कहता मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा सारा सालों क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ बैठने का फिर सालों तुम लोगों का, फिर पीए मत करो आगे से। पी भी इसीलिए रहे थे कि वाइब बनेगी थोड़ी सी, कि वो लिख पाएगा कुछ और ये बना पाएगा कुछ और मैं गा पाऊंगा कुछ। लेकिन साला इन लोगों ने तो सारा ही उल्टा ही कर दिया। फिर मैं सो ही गया वहीं पे सोफे पे उनके, और ये लोग आ गए फिर सारे वहीं पे आ गए थे। गड्डी भी आ गया था, सिक्का भी आ गया था, लक्ष्य भी आ गया जिसके बर्थडे पे गए थे लास्ट अभी रिसेंटली, वो भी आ गया वहां पे। फिर केशव भी आ गया, सारे दोस्त मतलब वहीं पे इकट्ठे हो गए, लेकिन एपी नहीं आता वहां पे। वो स्टूडियो में अच्छा स्टूडियो नहीं मतलब उसका घर है, घर की बेसमेंट में उसने अपना स्टूडियो बना रखा है, और एक कमरा है उसका अंदर रूम है, तो वो सब सेटअप बना रखा है उसने, सोफे वगैरह लगा रखे हैं बाहर, सब चीजें कर रखे उसने बैठे। मतलब अलग से बेसमेंट उसकी अलग है, फैमिली के साथ रहता है, ऊपर फैमिली रहती है नीचे खुद रहता हम्म। है। उसका रखा है बहुत ही ज्यादा हार्ड था पिछला हफ्ता, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ग्यारह वो ग्यारह बारह बारह घंटे 10 10 घंटे डेली का डेली काम था, इसीलिए आशय मिले तुम्हें सोचा था कि बात करूंगा, लेकिन कोई ना, मेहनत समझ जाओ कैसी। हेलो भैया, हेलो जी, क्या हाल है भाई। ओके तो ये पढ़ने दो मुझे। इंस्पायर आई रियली वांट टू सी यू इन गेम। ओके आई एम नॉट अ बैड गाय, डोंट माइंड। एक चमेटे पढ़ेंगे ना कल ठिकाने आ जाएगा तुमको। मैं डीएम वाली दिखती हूँ, बेवकूफ, नालायक, नाजायज, डीएम वाले अफवाह है ना, सिर्फ अफवाह ही है। हकीकत में मेरे को डीएम में देखने जैसे औकात नहीं है किसी की, समझ में ना बात। नमस्ते भाई जान, नमस्ते जी। ओ ओ पी बोला लड़ना शेखो, अरे तो एहसान एहसान मिलो ना तुम, अच्छा एहसान मिलो शेखुल तुम। यहाँ के इंडिया के पैसे खत्म हो गए। ओके अब आई जस्ट समझ सेड दैट आया मुझे नॉर्मली ये कि उसका वो जो काला सुअर है हाउ क्यों रूड। बोल रहा था कि स्काई दुबई चौड़ी है ये वो करके क्यों गाली दे रहे थे। अब मुझे समझ में आया, मैंने तो उसे बोला था दैट आई एम गोइंग राइट। अब मुझे समझ में आया शेखू से मिलने। अरे है तो अच्छे ही यार, है ना। कौन अच्छे हैं, तू तो झांसी की रानी निकली। कौन अच्छे हैं। शेख अच्छे ही है ना, मेरी उनके लिए अच्छा, उनके लिए, क्योंकि किसी का बॉयफ्रेंड अगर दूसरे की गर्लफ्रेंड के लिए जो गए भी नहीं कभी उनके लिए अगर गलत बोल सकते हैं, तो खुद की गर्लफ्रेंड जब दुबई गए तो फिर क्या समझे काला सूअर। हम क्या बोले। मैं तो कल पाके छोड़ दूंगी, मुझे क्या है। आप चीखते रहना ये आर 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 आई एम नॉट दैट। तुम कलप कलप के उछल उछल के अपने चार विंडो में बिठा के चार पांच जनों को गालियां देना, बट हम तो बोलेंगे शेखों के पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड छी छी छी, वो शर्मनाक चीज है। हाँ ऐसे नॉर्मली है, इसके लिए तो बोला है वो अब्यूज ही ना जाए जनॉल। ओके ओके तो वही वॉइस कम आ रही है इसका। हाँ जी, तो बात
ऐसी है घुमा फिरा के काला सुअर, हम अभी क्या बोले, हमको क्या बोलना चाहिए अभी? मैं तो ये सोच रही हूँ लात मार के 2-3 दिन में निकाल ना दे शेख लोग, क्योंकि स्काई के तो बहुत कुछ है ना, बाकी तुम्हारी छपरी में तो कुछ है ही नहीं, ना गढ़वा ना पिछड़वा ना समझ। मैं हाँ न्यूड चल शेड प्लीज यूज करती टेल योर हूँ, इन्वेस्टर मैं प्लीज डार्क लिपस्टिक कभी यूज नहीं करती हूँ। अच्छा ना माजन आप कहाँ हो भाई। मैं भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में आया हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता। कनाडा मैं तो टेस्ट करने आया था, यहाँ पे बिठा लिया इन लोगों ने। फेक है ऑल सब। जिया जले निशा, जान जले। निशा तुम वापस चली गई क्या देहरादून? नहीं निशा जा रही है उधर। हाँ मैसी, हाँ कहाँ पे कुछ जा भी रही है? नहीं है, फ्लैट। ओह यस, एक चीज है, अनशिप्ड टमी। कहाँ जा रही है निशा? निशा जा रही है, अरे मैं भी तो जाने वाली थी, आपको बताई तो थी थाईलैंड, बट पापा ने अलाउ नहीं किया। को शादी है ना सिस्टर की, तो तो बैंकॉक शादी में कर से रहे हैं पहले क्या? नहीं बाबा, डेस्टिनेशन वेडिंग है, बट शादी से पहले ना वो पार्टी रखे हैं थाईलैंड जो में कि, हाँ कुछ नहीं। जो कि पार्टी रखे हैं, और वो थाईलैंड, थाईलैंड में, बैंकॉक में, बैंकॉक, यस बैंकॉक, निशा कर रही बैंकॉक है में, शोमपुर अपने, बैंकॉक निशा अपने में शोमपुर है रह रहे पार्टी, हो। बैचलर पार्टी, सारे गर्ल्स ही है, और मैं भी जाने वाली थी। फुके गर्ल्स हैं लेकिन वहां पे गर्ल्स नहीं रहेंगी पूरी वहां। यस 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 यस, ऊटी से पहले हम जा रहे थे फुकेट, याद है? हाँ वहाँ पे आप खुद या करो महाजन, खुद एक किलो गाली देने को मिलेगा ना फिर। लेकिन जाओ मुझे गाली महाजन, देना नहीं जाओ पसंद। हीरो लाइफ चालू करो। रजनी जी आप एक चल मेरे बेटे, तेरी माँ के गांड में डालूं वापस तुझे। चल जहां से निकला तू, चल निकल। कौन मैडम जी हमारा भी मैसेज देख लो यार, एक फैन मैडम जी। हेलो। नहीं भाई मैं अपना लाइफ चलाता ही नहीं हूँ यार। मैं तो काम पे बैठा बैठा 2 मिनट मतलब ब्रेक टाइम होता है तो मैं 2 मिनट बैठा बैठा लाइफ चला देता हूँ और बस तो बातें करके भाग जाता हूँ। बस इतना चलाता हूँ मैं तो, मैं चला ही नहीं सकता ज्यादा। अब मेरे पास टाइम नहीं होता ना यार, बिजी होता हूँ। मैं तो बस 2 मिनट ही आ पाता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। चलो मानूंगा भाई आप भी, मैं महंगा पड़ जाऊंगा, तुम सबका ट्रिप खा जाऊंगा मैं, मुझे मत बुलाओ। वंस इन अ वीक प्लीज, आई विल ट्राई माय बेस्ट ब्रो। प्लीज आया करो लाइव, क्या करना इतना आके बोल रहे हैं तो आया करो। भाई, यहीं पे देख लो आप मेरे को यार प्लीज, मेरा नहीं आने का दिल करता यार लाइव। मेरा दिल करता है जब छुट्टी हो, मैं सारा दिन पड़ा रहूं बस सोया रहूं, और उसके बाद मेरे लिए खाने के लिए मेरे बेड पे आ जाए, पीने के लिए मेरे बेड पे आ जाए, उसके बाद मैं स्टूडियो जाऊं एक आधा गाना करके आ जाऊं, फिर उसके बाद दोस्त के पास, दोस्त के स्टूडियो जाऊं वहां चिकन खाऊं, मतलब सारा दिन ऐसे ही मेरा निकल जाए बढ़िया बढ़िया। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सारा दिन ऐसे निकल जाए, बढ़िया बढ़िया, गर्लफ्रेंड से बात मत किया करो, वो बढ़िया निकलेगा। सिंगल लाइफ बहुत इंसान झक्कास जाता है। करने की कोशिश करते हैं इंसान, लेकिन आगे से जब
इरिटेट हो जाए सब लोग तो फिर क्या फायदा। ये गाना भी करता है क्या? नहीं, बजाता हूँ मैं तो। हाँ हाँ बिजनेस क्लास लोग। अरे तो वो फ्लाइट में कैसे गई, लटक के या फिर वो जहाँ पे सारे लगेजेज होते हैं वहां पे गई? आई वॉन्ट टू टच योर पिंक तबला। सिद्धांत, तेरी बहन के टच करूं मैं? पिंक पिंक बहुत अच्छा लगेगा मुझे टच करना। बिजनेस क्लास नहीं गई वरना उसका शो ऑफ इतना होता। 4,000 स्टोरी, 10,000 स्टोरी डालती। ओ अजूबा लग रहा होगा, कहाँ किसमें पहली बार बैठी गई। क्या ही चल रहा है, सोच रहा हूँ हेयर कट करवाऊँ यार। कि ये मेरा तो वो नहीं बनता, चंगा लग दिखाओ हाफ वाला। रहा है ही नहीं। है ही नहीं, तुम्हारा बड़ा लग रहा मुझसे। सेकेंड, नहीं, बड़े हैं नहीं बाबा, ये देखो मेरे छोटे, इतना मेरा बाइसेप जब छोटा है तुम्हारा बड़ा है। इतना भी मत बोलो। मगन डोंट बी डिसअपॉइंट इफ शी इज हैविंग डार्क। अबे तू जा ना, चलो निकालती हूँ रंडी के इसको, बच्चे। ये बहुत गंदा नहीं है। कोई मेरे को छपरी से मेरे 15, अरे तो दिया ही क्यों था, हम तो बोल से बोल के मेरे थक गए 15,000 दिला दो। थे। ये कौन है, किस किसके 15,000 खाए उसने? कौन है ये? संकेत अरे वो उसको तो ऐसे खा के ढकर मारने की आदत है, तो तुम्हारा नहीं ये लिया शान है, है क्या? ढकर ढकर मार लिया है। ये शान है क्या? जो भी है आईडी क्लियर नहीं करना है, ठीक है, आईडी क्लियर नहीं करना है, शो नहीं करना है, बाद में बोलूंगी। संकेत मेरे 20 के। माधन भाई, वैसे लोग किसी किसी को खुश देख के कितना दुखी होते हैं ना। सही बात है भाई, किसी की खुशी देख के बर्दाश्त नहीं होती लोगों से, अपने लोगों से नहीं होती, दूसरों की तो छोड़ो बात। हाय भैया, ये कैसे बात तो हो? है। बढ़िया भैया, आप बताओ। बोर हो रहे हो? दो वन जोड़ी। हाय, अच्छा नंबर वन जोड़ी। नंबर वन लिखा मेरे को शॉकिंग, लगा नो लिखा उसके। नो वन जोड़ी। नंबर वन जोड़ी। महाजन वीर बिग फैन फ्रॉम पंजाब फिरोजपुर सिटी। शुक्रिया भाई। हंसी आ रही, चाय कौन पी? अच्छा चाय कौन पीता है? चाय कौन पीता है? मैडम जी, कुड़े आप लोग अपने, मैं तेरी माँ को भी ना खड़ा नहीं करना चाहता, मैं लेटा के देखना चाहता हूँ कि कैसे लगेगी वो बुढ़िया कैसी लगेगी अभी भी, कि अभी भी जवान है या ढल गया मुरझा गया सब कुछ।
लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी से दुखी है। सही बात है भाई, तुम ये बात दोनों तो एक दूसरे को इग्नोर इग्नोर कर रहे हो। अच्छा जो प्लेट पे मेरा पिंपल कितना कैसा हो गया यार, लाल लाल। मैं तो लाइव ऐसे इसीलिए भी नहीं आता यार, जब भी मैं लाइव आता हूँ तो मेरे ऐसे डॉट दिखते हैं लाल लाल, इसलिए मैं लाइव ही नहीं ऑन करता। तो छोड़ो यार भाई, जो खुद का लाइव ऑन करता हूँ ना ज्यादा क्लियरली दिखते हैं, और ऊपर से मैं होता भी है ना। बाहर, तो इसीलिए मैं आता ही नहीं लाइव। मैं बोलता हूँ छोड़ो बहन जी, क्या करना, मैं जिम चालू करने वाला हूँ वैसे भी जल्दी, अगले महीने तक, अगले महीने कर दूंगा, चल मतलब करना, गाली देगा तीन गधे। चार 3-4 तारीख तक कर लूंगा शुरू अगले दिन जिम, फिर रेगुलर रहेगा, फिर बॉडी ऐसे वापस लेके आऊंगा 2 महीने में 3 महीने में। स्काई यस हाँ कितने इरिटेट हैं ये। जो लिखा है विकास, वो विकास तो तेरे पीछे जो पड़ गया। जिसने लिखा है वो कितना कल्पा हुआ है मेरे से। अरे तो उसको टट्टी नहीं आ रही होगी। है ना, जल जल के राख कर दूंगी मैं, ऐसी महाजन भाई, हूँ क्योंकि दो मेरा चार नाम ही घंटे है कायना। दो चार बंदे बंदे बैठे हैं यहाँ, हटाओ सालों को। माशाल्लाह नाइस जोड़ी, शुक्रिया भाई। चलो यार मैं ब्लॉक करना शुरू करता हूँ फिर। चलो इतनी मेहनत करनी दो पड़ती है यार, चार मेरा फोन बंदे बंदे पकड़ते पकड़ते हाथ दुखने लगता है। क्या बोलते हैं मुझे समझा नहीं। दो चार बंदे बंदे अच्छा इसे तो बंदे बंदे मैं कोर्ट में साइन करने आऊंगा, चलो कॉल करते दिखा दे एक साइन बार। करने चल निकल आऊंगा। मिस्टर परफेक्ट, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी का रंडी के बच्चे, अभी बोलो तुम्हारी माँ का भोसड़ा पाड़ता हूँ। नहीं कल अपना नहीं, मैं रिमूव करती हूँ ना। नहीं कल अपना नहीं बोलना इनको कुछ, ब्लॉक करके टट्टी मैं कर बंद कर दो परमानेंट, दूंगी, जलने दो मैं भाई। कर माशाल्लाह दूंगी, नाइस जोड़ी। मैं हेलो जिसको ब्लॉक करना है कर दूंगी। तुम गाली मत दो और अपना जुबान खराब मत करो। ये लोग तो ऐसे ही है। जलने दो, जो जलता है मेरे को बहुत विकास, तू निकल रुलाता पहले लाइन के मैन। है। आपकी शादी करवानी क्या है? आपकी शादी कहाँ निभाना है था, निभाने वी में आर भी। नॉट निभाने दी बॉय चिल्ला। अबे भाई जैसे कमेंट पढ़ो सही बात मिले है अनुराग भाई, अमेजिंग कपल जो महाजन भाई, इंस्पायर अच्छे हैं वो भोले। अच्छे ही लिखते हैं। ऐसे ऐसे ही आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, गॉड ब्लेस यू। सही बात है भाई, ये वो लोग हैं जो कल पे पड़े हैं हमसे, समझे? तो तुम ये शुक्रिया मत मांचू बोलो। भाई। और महाजन भाई, भाई और होता है, आवर नहीं होता है, जैसे ओ यू आर लिखते हैं और वाजिब भाई, और बाप के पैसों मुझे दिख पर नहीं रहे हो बैठ भाई। के खेलते हैं। क्यों दिख तो रहा हूँ सामने तुम्हें, जो जलता है जलने दो, ध्यान मत दो दोनों लोगों के। महाजन भाई आपस में बात करो के। जय हिंद मेरी तरफ से सभी को, जय हिंद। थैंक यू सो मच जी। जो जलता है जलने दो, आप ध्यान मत दो दोनों लोग। ओके महाजन भाई, आपस में बात करो। जय हिंद भाई, कैसे हो केडी भाई? माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू, वेलकम स्काई डियर एंड महाजन ब्रो। थैंक यू हिमांशु भाई।
आज तो बहुत लग रही है, लुकिंग एट एवरीवन। किसी की औकात नहीं मैंने थी, सबको बट औकात देखा मत ही है, मांगना। अमेरिका यहाँ वहाँ जाके ही क्यों लाइव समझ करते हैं भाई। मैं तो लाइव आना बंद हो गया, मैं तो बाहर आके लाइव आना बंद हो गया, बल्कि इंडिया में ज्यादा लाइव आता था मैं तो मैं क्या दिखाऊँ यहाँ पे। मतलब जो हमारे पास है भाई वो मेरे पास ही रहेगा, वेंचर में दिखा दिखा के लोगों को, वेंचर क्या दिखा दूँ। जलता है शो ऑफ। मैं ना किसी के बहुत नजदीक जाकर देखी हूँ कि कितना फेक है, ठीक है, और उसी के मुंह से सुनी हूँ मैं, तब जाके मैंने बिलीव किया। अदरवाइज मैं भी बिलीव नहीं करती थी ये सारी चीज के। तब मुझे पता चला क्या पता चला? अरे इतनी फेक है कि क्या बताओ। छोड़ो ना, अच्छा वो छोड़, दिन कैसे गया, मतलब जा रहा है। गाली कितना खाए आज? क्या क्या खाए? आज आपने गाली कितना खाए? तुम्हें याद होगा जितनी दी होगी। मुझे कैसे हो याद है? खाया आपने ना? गाली थोड़ी अरे खाते हो आप, यार डांट खाते हो। अच्छा वो छोड़ो। हाँ मैं ठीक हूँ बोलो भाई, आप कैसे हो? बढ़िया केडी भाई, आप बताओ। जाहिर मेरे भाई देखो, सारे लोग आपसे नहीं, कैसे महाजन ने ऐसी पटाखा गर्लफ्रेंड बना ली, सही बताओ। सर, वो आज फ्री है, उससे बात कर लो। हो सकता हूँ 2 मिनट? ओके ब्रो, बाय, गुड नाइट। स्काई महाजन, ऑलवेज सपोर्ट फ्रॉम माय साइड, गुड नाइट ब्रो। लेकिन मेरी तो गुड आफ्टरनून है ना, गुड आफ्टरनून बोलो ना मुझे। महाजन अब तू शादा कर ले और कनाडा बुला ले तो। ओके, हेलो क्यूट कपल, गेम शो, मजा मा, मजा मा भाई, मजा मा, केडी सर, आई एम मजा सो सॉरी, बट मैं किसी को फिलहाल महाजन ऐड नहीं करना चाहती हूँ। करवाना। क्या इसने क्या बोला? महाजन डन, पता नहीं क्या लिखते भाई। आपके रिलेशन को कितना टाइम हुआ? 3 साल आई थिंक। स्काई तुमको गलत गेम बोलता शो है मजा तो मा, माही क्यों कलर जाता है? बोल लेते हैं उसका खुद शो नहीं। ऑफ करते हैं उसी से पता चलता है, औकात सो चीप। यस, जितने जितने का मैं रेंट का, मतलब हम लोग अपना है तो यू नो, बेसमेंट हो जाए कुछ भी हो, रेंट भर के रहते हैं ना घर में, उतने में तो हम भाई वेंचर अपना घर बना लेंगे वेंचर, 5 6 साल में आराम से, जैसा मर्जी। आपने देखा मेरे बर्थडे पे मुझे फ्लैट गिफ्ट दिया था, याद है? मालूम तो आपको पता है, कोई तो जाके बिल्डिंग के साइड पे जाके स्टोरी डाल रहे थे, गाइस फ्लैट गाइस, 14 बार दिखाया। आपकी माँ की पूछी। कि क्या हुआ, फिर फेक गुची और उसकी माँ की पूछी। अरे मत बोले ऐसा, फिर मत बोले। खूबसूरती का क्या राज है, जरा हमें भी बताओ। तुम तो हम भी अप्लाई करेंगे इस अच्छा पे। आई थिंक आप लेट पढ़ रहे हो। हाँ मैं बहुत पीछे हुए जो हो, मैंने छोड़ दी फिर सारी। इफ यू हैव सो मच मनी देन व्हाई डू मनी यू सेटल सेटल करके शादी, को क्या शादी सेटल समझा होके नहीं शादी मुझे। ओके ओके सेटल लोगे शादी करो उसमें, वही तो दिक्कत है।
लेकिन सेटल तो मुझे होना है, फिर ही कर पाएंगे। हाँ तो अपनी होना है सेटल, क्या अपने लिए हो जाओ एकदम सेटल। कोई कभी होते नहीं है, कुछ ना कुछ जिंदगी में छूट ही जाता है ना, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी होता है, लड़की हो या लड़का। कमाना आना चाहिए, कल को आप कुछ लड़कों को भी ही हो होना सकते पड़ता हैं, है ज्यादातर, ऐसा नहीं है। फैमिली तो उन्होंने चलानी होती है ना, ये मैं मेन खुद होता भी है। तो बिजनेस करती हूँ ना, तो नहीं आपकी बात अलग है, लेकिन फैम आप भी तो हाउसवाइफ बनना चाहते हो ना, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है, मेरा तो बिजनेस ही रहेगा ना। हाउसवाइफ बनना मतलब है मतलब क्या, ड्रीम तो आपका वही है ना, ऐसा कि आप नहीं मतलब है। ऐसे अपने पति के लिए सब कुछ करना चाहते हो। मैंने देखो, मेरी मम्मी टीचर थी राइट, तो हाँ वो शादी के बाद उन्होंने छोड़ दिया था सब कुछ। तो ऐसा है कि आफ्टर मैरिज ना सब लोग ये चाहते हैं कि शादी करने के बाद वो सारी चीजें छोड़ के घर पे रहे। कोई भी लड़का भी यही चाहेंगे, कल को आप भी ऐसा होगा कि शादी जब करोगे ना, तो शादी के बाद आपको जब खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, आपको जब कुछ टाइम पे नहीं होगा ना, तो आप भी सेम यही चीज बोलेंगे कि जॉब भी गया तेल लेने तो घर पे बैठ। ओके आपको एक चीज पता है, या यही फर्क है वहां का और यहाँ का। यहाँ पे कोई किसी को बहुत नहीं कर सकता, आपको पता है। यहाँ पे पता है क्या होता है यार, इतना कमाते हैं ठीक है, सब करते हैं, तो वीकेंड्स में कैसा होता है कि वीकेंड में जैसे हम लोग अभी जैसे करते कुक करते हैं जैसे, है ना, तो अभी जैसे एपी का मैसेज आया था कि भाई चलो अभी करते हैं कुछ, चलो बनाते हैं प्रोग्राम। तो ऐसा कैसे होता है कि वीकेंड में हम लोग इकट्ठे होते हैं, फिर हम लोग ऐसे इधर उधर की बातें नहीं करते, हम लोग बिजनेस टॉक करते हैं, मतलब कि क्या करना चाहिए आगे, क्या तू क्या करना चाहता है, हम क्या करना चाहते हैं, मतलब उससे वो बातें करते हैं कि अच्छा मतलब क्या हुआ है पूरे हफ्ते में, क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ, कुछ न्यूज का इधर उधर का, मतलब हम ये चीजें बात करते हैं। और स्टूडियो जाते हैं तो हम म्यूजिक की बात करते हैं, काम पे जाते हैं तो हम काम की बात करते हैं, मतलब है ही नहीं कुछ भी यहाँ पे, अभी किसी के पास टाइम नहीं है। हम शादी के बाद भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे लिए कोई सिर्फ हमारे खाना बनाने के लिए रह जाए या हमारा वेट करने के लिए रह जाए। मेरी सोच तो ऐसे नहीं है, मतलब मुझे ये नहीं है कि मेरी बीवी भी पैसा कमाना चाहिए साथ में, उसको भी काम करना चाहिए, नो। लेकिन मुझे ये है कि वो अकेली, क्योंकि देखो सारा दिन काम करते करते अगर खुद का भी बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया, मैं सेटल हो गया, खुद के बिजनेस, यहाँ पे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब पता है क्या है, कि अगर आज हम जॉब कर रहे हैं ना तो 10 घंटे कर रहे हैं, खुद का बिजनेस मतलब हमें 15 घंटे देने पड़ेंगे वहां पे खुद की जॉब के लिए। जब हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 15 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज यू नो मेंटेन करनी, हर एक चीज उस वहाँ पे मटेरियल वगैरह, हर एक चीज वहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल करवाना। उसके बाद अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मतलब तुम इतना थके काम कर रहे हो और तुम्हारी बीवी जो घर बैठी वो तुम्हारा इंतजार करती रहे खाना बना के, कि तुम कब आओगे काम तो से फ्री बाहर होके, ये करो जाके किसी और के साथ घूमता फिरे। काम से 15 घंटे बोल रहा हूँ, तो घूमता किसी और कहाँ से घूम लेगा कहीं और। ओके 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 किसने लिखा है इसका शादी नहीं करेगी? भाई ये तो सब किस्मत का खेल है यार, हमने तो सोच रखा करेंगे, लेकिन बाकी देखो फैमिली का भी बहुत होती ना मैटर करती है, कि फैमिली वाले क्या करते क्या नहीं करते। मतलब मेरी मेरी फैमिली तो ओके है, लेकिन कल को नहीं ना पता क्या सीन होते क्या नहीं होते, लेकिन हर चीज लेके चलनी पड़ती है। महाजन बहुत क्यूट है। अरे योगेश भाई तुम कहाँ से आ गए, क्योंकि स्काई के फैमिली वाले बहुत गुस्से वाले हैं भाई, इसके पापा थोड़ा बहुत ब्लॉक करो, तुम पिन क्यों कर रहे हो, रुको, तो ब्लॉक कर दिया मैंने तो। हाँ आपने ब्लॉक किया ना, बहुत शौक है ना ये लोगों को हैरेस करने का। ओके रिपोर्ट तो मार लूँ, बिना रिपोर्ट के कैसे ब्लॉक कर सकते? यस लड़कियां बोलो। धोखेबाज होती ओके भाई, लड़के भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब होते हैं, लड़कियां हर अकेले नहीं किसी के होती। पांचों हाँ उंगली समान नहीं होता। लेकिन ये हाँ ये है कि मतलब आजकल रेशो ज्यादा बढ़ रखी है लड़कियों की,
लड़के तो बेचारे साले सदमों में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत बहुत सारी लड़की है जो कि थोड़े दिन रो धो के शांत हो जाते हैं, दिखाते नहीं है। कैसा होता है कि यार, मतलब मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ देख के बोलता हूँ, मैं किसी, देखो मैं प्रैक्टिकली बिलीव करता हूँ, मैं सुनी सुनाई कहीं कहीं ये चीजों पे बिलीव नहीं करता। तो कैसा होता है कि मैं चीजें देखता हूँ ना, जब होती हुई, बदलती हुई, या फिर मतलब करते हुए, तो मैं उस चीज को बिलीव करता हूँ। जैसे अब मैं काम करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी इधर उधर करने का, तो मैं यही सोचता हूँ कि मतलब जो और भी अच्छा एक बंदे काम बात करते हैं। बताओ, चलो ये बहुत जनों ने शायद पूछा है ये चीज, अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो तुम किसी के हाथ में अपने बहनों बहन के हाथ देते, या फिर थोड़ा कमाने वाला अपनी बहन को सेटल अगर सही से रख सके, ऐसे चलो जॉब भी कर लेंगे आपके बहन, ठीक है, तो आपके किसी के है ही हाथ नहीं मेरी में दे बहन पहली देते? बात तो, ये तो मुझे सोचना ही नहीं इतना कुछ सोचो भी कि क्या क्या ये नहीं, मैं, मैं नहीं नहीं सोचता, नहीं मैं नहीं तो सोचता। मैं किसी की बहन हूं ना, तो तुम सीधा क्या बोलना चाहते हो फिर तुम? तो आप खुद सोचो ना, ऐसा मतलब ये मत बोलो कभी भी, कोई भी इंसान इस दुनिया में, हर कोई देखो दुखी कोई नहीं होना चाहते, राइट, सुख सबको चाहिए होता है, तो आप लेकिन वो बोलना एक क्या चाहते सिचुएशन होता हो? है जहाँ जो दुख, मैंने इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती, हम इस टॉपिक पे बाद में बात करें, आपने शुरू ये सारी किया, चीजों पे मैंने तो किया ही नहीं। नहीं, ये सारी चीज हम यहाँ बात नहीं करेंगे, बाद में बात ये करेंगे। तो आपने शुरू किया, मैंने तो किया ही अरे नहीं। छोड़ो, ये सारी चीज पर्सनल होती है लाइफ में, क्या बोले ये मैं सब। तो यहाँ की लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ कि यहाँ की लाइफ कैसी है, कि मतलब यहाँ के लोगों को बस टाइम नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं, और आप कहीं और लेके जा रहे हो। नहीं टाइम नहीं है, एक सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट छपरी। ये बम्बल बे, बी बे, व्हाटएवर जो भी है, ये बकवास करना बंद करो, ठीक है, और रही बात, मैं वहां एक की लाइफ नेचर का ठंड है, इंसान हूँ, ठीक है, सही बात है भाई, और यहाँ की रही लाइफ बात, ठंड है। आप एक बात बताओ मुझे, इंडिया में हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, तो हमको कनाडा आने की क्या जरूरत है? हमको जो चाहिए वो तो सब यहाँ पे मिल जाता है, राइट? ये सोच है अपनी अपनी सबकी, रशिया वाली ढूंढो, देखो ये सबकी अपनी अपनी सोच है। यहाँ के 10 साल के बाद जब मैं खुद को देखूंगा ना, तो वहां के लोगों से कहीं ऊपर निकल चुका हूँ मैं, तो ये सोच कोई होती है, बात नहीं, निकलो, सुनो, जेब में अगर पैसे ये हो सोच होती कभी है। भी कोई भी इंसान है कैसा ना, होता है वो कि कहीं भी बहुत अच्छे यहाँ के से रह हिसाब सकते, क्या से, इंडिया में हमारे आप रहना यहाँ के चाहते हो? पैसे वाले हिसाब नहीं से, यहाँ से हिसाब से अगर मतलब देखा जाए तो यहाँ पे अलग टाइप का सब कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख है, लेकिन इंडिया का 1 लाख, इंडिया में 1 लाख के बराबर है, यहाँ का वहां एक का खर्चा लाख भी तो है ना, अब वो भी तो सोचो, खर्चा अरे जो यहाँ यहाँ खर्चा का, कम है, जितना खर्चा उसके हिसाब से है। यहाँ पे जैसे कमाई के हिसाब से होता है, यहाँ पे कमाना शुरू करोगे तो यहाँ के खर्चे उसी कमाई के हिसाब से होना शुरू हो जाते हैं। अगर तुम नए नए आ रहे हो, तो वहां के, जब तक तुम्हारे दिमाग से इंडिया के ये वो एसके पैसे है नहीं ना, निकलते, अभी एक भी वर्ड अगर लिखा ना गलत गलत तो तो कमेंट सीधा मेरे बंद को कर दो, ब्लॉक अगर लिस्ट खुद में डाल दूंगी। तो कमेंट बंद कर दो फिर, अगर खुद से बात करनी है, अगर ऐसी चीजें पूछनी है, तो फिर कमेंट मत देखो ना फिर। यहाँ के जब तक, जब यहाँ पे इंसान आता है ना इंडिया से, जब तक आपके दिमाग से इंडियन रुपीस नहीं ना निकलते, मतलब कि हम इंडिया में महीने का 50,000 खर्च करते थे, तो इंडिया में 50,000 खर्च करना बहुत ज्यादा होता है, हाँ ठीक है, ये देखो, नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। नहीं है बाबा, इंडिया में आपको पता है कम पैसे में इंसान बहुत खुश रह सकते हैं इंडिया में, लेकिन बाहर वैसा नहीं है, आपको पैसे भी ज्यादा चाहिए होता है, खर्चा भी उतना है, और खर्चे के साथ साथ आप बिल्कुल हैप्पी नहीं हो, क्योंकि आपको कल का भी सोचना है कि कल मेरे पास नहीं होगा तो मैं कैसे क्या करूंगा। इंडिया में वैसा नहीं है, कल का कल सोचेंगे यार, आज का आज सोच लेते, ऐसा है इंडिया, और इंडिया में बिना जेब के, बिना जेब में कुछ रहे भी ना आप खुश रह सकते हो, एक रात सुकून से सो सकते हो, लेकिन वैसा नहीं है कनाडा में, आपके पास जितना भी हो ना
बाहर देश में उतना ही कम है आपके पास, पता है आपको? मैं मेरे खुश हूं, सारे लेकिन लोग हैं कितने साल से, तो आपको क्या लगता है वो सेटल मैं नहीं हो खुश सकते हूं अब। वहां पर? हो सकते, हो सकते हैं। अरे पैसा, पैसों पैसा लगा के तो पैसा बना सकते हैं बड़े आराम से। हाँ तो वो तो ना मुश्किल वो होती तो कोई चीज। बिजनेस में भी बना सकते हैं। वही तो बात कर रहा हूँ ना, वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि लगा के जब इन्वेस्ट करके तो बनाना इजी है, लेकिन नीचे से मतलब यू नो जीरो से स्टार्टिंग करना सब चीजें, तो वो टफ होता ही होता है। पहले पहले वो लगते लगते 5-10 साल जितने भी लगते, उसके बाद जब 5-10 साल के बाद जब तुम खुद को देखते हो तो तुम बहुत खुद को प्राउड फील करते हो और बड़े होते हो कि हाँ मैंने कुछ किया, मैंने अर्न किया कुछ। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है यार। इंडिया में भी तो, इंडिया में भी अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ है तो क्या तुम्हारे पापा ने मेहनत नहीं की? क्या तुम्हारे पापा के पापा ने मेहनत नहीं की? उन्होंने भी ऐसे शुरू किया होगा सब कुछ जीरो से। किसी ना किसी ने तो किया ही होगा ना। तुम्हारे पापा के पापा ने किया होगा, जब पापा के पापा ने किया किसी ना तो नहीं किया होगा पता, ना। मैं सिर्फ अपने दादाजी दादाजी के पापा को जानती थी उससे। वही मतलब किसी ना किसी ने तो शुरू किया होगा ना, क्योंकि ये खुद से तो आ नहीं गया होगा उड़ के। सबने किसी ना एक देखो किसी भी किसी पीढ़ी में ना किसी ना किसी को मेहनत करनी पड़ती ताकि अगली पीढ़ी तुम्हारी आसान रहे, इजी कम खा सके। तो वो चीज, अगर वो चीज हमें करनी पड़ रही है तो अगली वाली को ऐश होगी, जैसे आज तुम चिल आपको कर पता रहे है हो। कभी एक गुस्सा भी आया तो हम जाके एक टमाटे भी किसी को मार के आ सकते, यहाँ भी मार ग्रेट सकते हैं, इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं है, वहां मार सकते जेल हैं अभी। में पहुंचा दे, और मेरे जैसे सनकी को तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब चलता है। गॉड। यहाँ पे अगर आपने कुछ कर भी दिया ना, मर्डर भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप ऐसे मैं निकल तो सकते हो देखो ऐसे। अपने मम्मी पापा को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाने वाली हूँ, बिकॉज वो मैं अकेली हूँ, है ना? तो यहाँ पे क्यों बोली जा रही है सब चीजें? क्या आप अच्छी ही बात है, शुरू किए थे ना, आप शुरू किए थे, मैंने किया था। आप आपको ही अच्छा शुरू लगता किया है, था। आपको वहां अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है अच्छी बात है। अपना अपना हो जाता है, मतलब एडजस्ट करना सीख जाता है इंसान अपनी अपनी अपने अपने यू नो चीजों में, हालातों में। जब कुछ नहीं था तब मुश्किल था, अब काम है, अब सब कुछ है, तो अब मुश्किल नहीं है, अब इजी लगता है, क्योंकि बस रूटीन है, बस अभी शेड्यूल ही वैसा बन गया है बस, कि मतलब सिर्फ काम ही काम है, काम ही काम लाइफ में। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके मैं सीरियस तो हो गया हूँ ना, वहाँ पे फैमिली सब कर रही थी, मम्मी पापा कर रहे सब कुछ, तो मैं बिल्कुल सीरियस ही नहीं था। तो वहाँ पे तो मैं चाहे 20 साल और लगा रहता, मैं कभी सेटल नहीं होता। तो सेटल होने का मतलब तो यही है कि भाई ठोक के पैसा चाहिए, घर बार चाहिए, कमाओ अच्छा है। बिजनेस चाहिए, वो चीज होती है। सेटल तो ऐसे ही होता है इंसान देखो कि अपनी बिजनेस चाहिए लाइफ अपना। में बाद का बात, प्यार प्यार ये सारी चीज बाद की है, पहले लाइफ में है ना सक्सेसफुल हो जाओ, और उसके बाद पता है मुझे कोई भी मिल जाएगी, सक्सेसफुल प्यार हो या लोगों कोई को भी ही हो, प्यार मिलता है, ऐसा बाकियों को नहीं तो बेचारे बेचारे होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है, ऐसा अब पता चलता है मुझे। नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम गलत वे में जा रहे हो दुनिया के कोई। मुझे एक चीज बताओ, आप क्या अनसक्सेसफुल रहना चाहते हो लाइफ में? अभी नहीं ना, आपने अभी 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 कहा अभी अभी खुद के वर्ड्स पे आ जाओ ना, खुद के वर्ड्स पे आ जाओ। क्या बोला अभी तुमने कौन से, कि सक्सेसफुल हो जाओगे, सेटल हो जाओगे तो प्यार भी मिल जाएगा? मतलब तुम ये कहना कोई चाहते हो भी कि मिल अगर नहीं जाएगी, होगा, मैंने ये कहा अगर कोई नहीं होगा, भी बंदी, हाँ कोई भी मतलब हो मिल जाएगा, अगर क्योंकि मतलब नहीं होगा सक्सेसफुल इंसान, इंसान को बंदी वैसे भी मिल जाता है। प्यार अगर की बात छोड़ो, इंसान नहीं कितनी होगा खूबसूरत से खूबसूरत मिलते हैं पैसे वाले को, राइट? ऐसे तो प्यार को फिर मारो भाई दुनिया, बोलके, ऐसे तो फिर दुनिया जिनकी लव मैरिज होती है, जिनकी कितने होते हैं, वो तो चूतिया फिर जिनकी लोग सारे, है होती ना। है वो शुरू से ही एक दूसरे के साथ होते हैं ना, लेकिन तुम्हारा मेरा थॉट्स ही नहीं मिल रहा है ना। तो तुम्हें हमें कनाडा सब चीजें ना यही तो बोलनी है। पसंद है और मुझे इंडिया पसंद है, मुझे तुम्हें क्यों पसंद है वो मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता क्यों पसंद है बताओ, है। नहीं बताओ ना। देखो मैं अपनी मम्मी पापा तुम को, हाँ मैं बोलो बोलो, कुछ नहीं, नहीं बोलो, नहीं बोलो बोलो, नहीं मैं नहीं बोलूंगा कुछ, अरे बोलो तो बोलो, चलो बोलो, आप बोल सकते हो, बस तुम्हें हक है बस बोलने का। अच्छा बोलो तुम कुछ भी तो, बोल सकती हो, तुम कुछ भी बोल सकती हो, तुम अरे किसी के भी बोलो कुछ भी बोल तो, सकते। पापा मैंने बोलना भी छोड़ दिया परी। वैसे। हाँ मैं मम्मी पापा, आप खुद सोचो, एक बात बताओ, 17 घंटा अगर मेरे घर पे, मम्मी पापा बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है कि नहीं?
है ना, आपकी मम्मी पापा भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उन लोग चले जाएंगे आपके पास, लेकिन मेरी मम्मी पापा के लिए मैं इकलौती हूँ, लड़की हूँ, राइट। अगर कुछ कल को हो भी गया ना, तो मुझे मेरे मम्मी पापा को देखने का भी नसीब नहीं होगा। एक लड़का ही होता है जो मतलब सबको छोड़ छाड़ के ना कुछ भी करने की सोच लेता है, लेकिन एक लड़की को ना हर एक चीज सोचनी होती है, उसको हर एक चीज सोचनी पड़ जाती है बाद में, जब जब आता है ना बात डिसीजन की, तो बहुत चीजें सोचनी सोच में आती है, दिमाग में आती है फिर कि मैं तो ऐसे नहीं कर सकती, मैं तो वैसे नहीं कर सकती, तो ये चीजें हो जाती हैं लाइफ में। सही है, अपनी अपनी जगह सब सही है यार, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारी बेटी ऐसे जाए कहीं, सही बात है। मूड ऑफ मत करो, नहीं, सही बात है, मूड ऑफ क्या करना है इस पे, सच्चाई तो सच्चाई मूड ऑफ होती है। मत करो, यहाँ धोखा वका का कोई सीन ही नहीं, क्योंकि धोखा तुमको भी अच्छे से पता है, शायद धोखा मैंने कभी किसी को नहीं दिया है ना, धोखा वोका वो देने का बात ही सवाल ही नहीं आता, और धोखा वोका में मैं जाती भी नहीं हूँ और होता भी नहीं है वो सब, गलत तो बात है, ये लेकिन है। यहाँ क्या पे बातें छोड़, यहाँ पे बातें छेड़ के कोई नहीं। अरे स्काई मॉडर्न नॉर्मल भाई सी से बात है, ज्यादा कौन सा क्या बात है, येलो सूट इट्स मोर देन ब्लैक। अच्छा थैंक यू, सही बात है, सही बात है, सब तुम्हारी तरफ ही है, बिल्कुल सही बोला तुमने। क्या बोला। अरे तो इंडियन है, ऑब्वियसली इंडियन, इंडिया से ही प्यार करते हैं लोग, हम तो चूतिया हैं, हम तो ना प्यार तुम करते हैं, इंडिया, हम तो चूतिया हैं जो यहाँ बैठे हैं ना, है ना, हम तो तुम नल्ले मत गुस्सा लोग हैं जो यहाँ पे मत मार करो, यहाँ पे आके माँच उदा रहे अपनी, है ना, गांड मरा रहे हैं यहाँ पे, है ना, हम तो चूतिया लोग हैं, मत करो, गुस्सा मत बोल रहा करो, हूँ शांत रहो। ना मैं, मतलब इंडिया के लोग इंडिया से प्यार करते हैं बस, बाकी चूतिया लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जब इंडिया में हर चीज हो तो आपका भी तो भाई सिंगापुर गया था ना स्टडी करने के लिए, स्टडी बात अलग गए है, थे ना, तो सेटल होना क्यों अलग स्टडी, है, तो स्टडी वहां की चाहिए फिर, क्यों ऐसा नहीं इंडिया में है, करो स्टडी भी। इंडिया को ही डेवलप करने के लिए बाकी लोग जाते हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ लोग होता है जो कि बाहर देश को ही आगे बढ़ाते हैं, इंडिया को नहीं। और मेरे पापा का थॉट्स ऐसा है कि आप एजुकेशन भले बाहर से लो नॉलेज, लेकिन अपने इंडिया को प्रोग्रेस करो, ये है मेरे पापा का थॉट्स। हम अगर हमारे घर से अगर कोई जॉब भी बाहर जाते हैं तो वहां सेटल होने का नहीं सोचते, इंडिया को आगे और वहां की करेंसी यहाँ भेजते हैं। ये आज तुमने गलत किया यहाँ पे, ये जो दोनों ये अलग अलग बोल दिया ना, इंडिया का अरे इंडिया तो में वो कोई फर्क नहीं रहा तुम में उन लोगों में, लोगों में हर्ट हुई मुझे ये बातें बहुत। कौन सी बातें हर्ट हुई बताओगे, कौन सी बातें हर्ट होने वाली, कोई बात नहीं, मेरी बातों से हर्ट होगा, मेरी बातें हर्ट करने जैसा है ही कहाँ, कभी कभी कोई बातें सुननी चाहिए, हर्ट नहीं लेना, हर्ट नहीं करना अपने मन को। माही सुनो मेरी बात, ये हर्ट होने वाली चीजें है ही नहीं बाबा, मैं तुम्हारे पास घूमने आऊंगी ना, घूमने आऊंगी, मैं तो तुम्हारी हूँ ना, है ना, बताओ तुम छोड़ के वही कहाँ जा रहो, रहे अपने हो, रहूंगी तो यहाँ रहो रहो, रहूंगी यहाँ, हम शादी भी करेंगे, ओके तुम इंडिया मुझसे मिला, मैं घूमने मैं कभी आऊंगी आऊंगा ही नहीं अब इंडिया, बस, मैं नहीं आऊंगा कभी वहां पे, कभी नहीं श्योर। आऊंगा मैं, अच्छा श्योर मैं है भी मुझे, देखती हूँ कैसे नहीं आते हो, मुझे कभी आना ही नहीं है वहां पे। चलो यहाँ पे देखती सोच हूँ ऐसी है सब लोगों की कि वहीं पे सब कैसी है सोच, कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, हर नहीं है इंसान वहाँ। का, हर इंसान का अपना स्ट्रगल है, हर इंसान की अपनी किस्मत है कि वहां पे किसको लेके जाना है, सबकी हाँ लिखी बाबा हुई है, ठीक है, है, कोई ये नहीं बोल सकता कि वहां के लोग को वहीं पे वहीं का प्यार है बस, ठीक है,
मेरे माँ बाप वहां पे रहते हैं ना चूतियों की तरह, यहाँ पे भी बैठा मेरे को भी याद आती है उनकी। मेरा भी दिल करता है, मेरा हर रोज दिल करता है कि मैं तो अभी आ वही जाऊँ तो वापस, बोल रही हो मेरा ना, हर रोज तो दिल इतना करता दुख है कि मैं वहीं दर्द पे आ जाऊँ सह के वापस। वहां ठीक पे है, जाने की क्या जरूरत है? जितना पैसा आप वहां पे लगाए हो, उतना पैसा इंडिया में भी लगा के आप आगे बहुत बड़े बिजनेस, आप देखो छोटे से छोटे बिजनेस से भी शुरू कर सकते थे। वही तो बात है। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, बाबू की तरह आप रह सकते थे। हाँ नहीं रहना मेरे बाबू की तरह। हाँ तो वही तो बात है ना, जब नहीं रहना है तो आप खुद ही बोल रहे हो, तो हर चीज ऐसा नहीं होता। मुझे अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है, मुझे हर चीज अच्छी करनी है। ठीक लाइफस्टाइल, है, अगर आप मुझे हाँ इन चीजों अच्छे में भी रह लाइफ जाना, में थोड़ी थोड़ी सेटल हो चीजों ना, में तो लाइफस्टाइल आपका यहाँ भी बहुत अच्छा है, मैं इंडिया बनाऊं, में मैं भी। बना क्या लूंगा अपना इंडिया खुद। में आपको नहीं लगता मुझे कि खुद पे लाइफस्टाइल भरोसा है, अच्छी है? दुनिया को हो ना हो, मेरे अपनों को हो ना हो मुझ पे, लेकिन मुझे है खुद पे कि मैं हो जाऊंगा, और मुझे खुद पे है। आज तक सबके सुनता आ रहा था, हाँ और नहीं होना, कोई भी बात अगर बोलते हैं तो बातें बातों तक रखो। अगर बातें अगर दिल पे लेते हैं तो उस बात का बहुत बड़ा पतंगड़, पतंगड़ बोलते, बतंगड़ बोलते, जो भी बोलते, बढ़ जाती है बातें। कभी कभी कुछ चीज शायद मैं भी गलत बोलती हूँ या सही बोलती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं वो बोलती हूँ। जो पर्सनली लगता है, मैंने जो मेरी फैमिली में देखे हैं, मैं वो बोलती हूँ आपको, कुछ ज्यादा नहीं बोलती। थैंक यू इंसल्ट करने के लिए यहाँ पर बुला के मुझे। अरे इंसल्ट करने वाली कौन सी बात है? माही, कोई बात नहीं, मैं तुमसे कोई बात भी नहीं कर सकती क्या? यहाँ हो या वहां हो, या नॉर्मली बात हो रही है यहाँ और वहाँ कोई फर्क नहीं है। क्या? नहीं है सही, बताओ कि मुझे क्या सही नहीं है, बताओ। कोई बात अगर कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ गया, क्या दिक्कत है? तो 300 बोलो बंदों क्या के दिक्कत सामने है? मुझसे चीजें पूछोगी और पर्सनल में कोई कोई बात पूछेगा अगर नहीं, पूछ रही कोई हूँ तो मैं तो तुम्हारी हूँ ना, तो बातों में क्या रखा है? बात बातों में क्या नहीं, बताओ ना क्या है? मुंह क्यों छुपा रहे हो इधर तो ना? क्या रुक जाओ एक सेकंड, अरे हाँ क्या हुआ? अनमोल फोन किया ब्रो, नहीं नहीं है जो मेरा प्रेस्टो भी नहीं, और कितने मैं कितना जावा कितने। बजे निकलने वाले हो उधर? पता नहीं जा रहा हूँ अभी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्यों? छोटी छोटी बात में ना ये दिमाग खराब है। करने वेदा वाला सीन बंद कर दो। मैं जल्दी करें फोन कर दा, कहना कहना फिर कितना जावा मैं समझ नहीं। सैकल है फिर हाला बैटरी है, एपीएल चलिए प्रेस्टो दिन ना का पहन दे यार मेरा प्रेस्टो, पता नहीं कितने गया मेरा पहन से, मैं क्या कहूँ पहन से, मैं तो पता ही नहीं लगा पहन का। कपड़े भी नहीं कितने गया, ठंड ज्यादा है कि बार फिर हुडी पाऊँ आगे कि टी शर्ट पाऊँ, साले में जगह भी लगेगी फिर मैं चलते 5 जगह भी तो कुछ हो गए। ब्लैक ही वाला कुछ और पाऊंगा यार, एक जगह कपड़े के लिए बना लेंगे यार, जो सारे फक यार जो। वही बोलो बोलो, क्या हुआ, कहाँ गए, कुछ नहीं है भाई, यही हूँ। कहीं जा रहे हो? तो नहीं जाना था एक काम पे है, बनाओ फिर प्लान कोई, मेरा प्लान तो दिमाग खराब है यार। तो ओ, दी ओ, अनमोल दी
ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਥੈਂਕਸ ਥੈਂਕਸ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਥੈਂਕ ਗਿਵਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਫੋਨ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਭੈਣ ਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪਾਵਾਂ ਵਾਈਟ ਤੇ ਭੈਣ ਚੋ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਹੂਡੀ ਪਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਗਰਮੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਲਾ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਬਾਰ? ਹੈਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਆ, ਵੇਖ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਹਿੱਲਾ। ਏਪੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫੋਨ। ਮਤ ਗਿਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ।